गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज द रिवीजन क्लास ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर 12th क्लास, टाइम एंड टाइम अगेन. ए के रामानुजम इज द पोएट ऑफ दिस पोयम एंड दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोयम ऑन दैट टाइम. ओके, एंड ए के रामानुजम इज द इंडियाज फाइनेस्ट English language poets. Okay, and for his pioneering translations of ancient Tamil poetry into modern English, उनका main work है कि उन्होंने क्या किया है, Tamil poetry को modern English में change किया है, translation किया है, and ये उनका main work है. At the time of his death, was professor of his लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यूनिवर्सिटी में, एंड वॉज रिकोगनाइज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोफाउंड स्कॉलर ऑफ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस. और वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के मोस्ट प्रोफाउंड इन गहरे लेखक थे, पोएट थे, एंड हिज इंटरेस्ट इंक्लूड एंथ्रोपोलॉजी एंड फोकलोर. इट मीन्स उन्होंने आसपास के एनवायरमेंट की स्टडी करके और फोकलोर में से रिलेटेड पोएम्स को यहाँ पर उनके वर्क में इंक्लूड किया है. दीज इन्फ्लुएंस्ड हिज वर्क एज अ क्राफ्टमैन ऑफ इंग्लिश. वो इंग्लिश के क्राफ्टमैन कहलाते हैं, एंड दिस क्वालिटी इज कॉल्ड क्राफ्टमैन, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस को रीड आउट करके आफ्टर इट वो उस पर वर्क करते हैं, इसलिए वो क्राफ्टमैन कहलाते हैं. दिस पोएम रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डिस्टिलेशन ऑफ अ लाइफ टाइम अनयूजुअल थॉट्स एंड फीलिंग्स. कई बार जो असामान्य विचार होते हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं और हम उनका डिस्क्रिप्शन करते हैं. अनयूजुअल थॉट्स, ऐसे थॉट्स का डिस्क्रिप्शन है इस पोएम के अंदर, जिसका कि टाइटल है टाइम एंड टाइम अगेन. ओके, टाइम एंड टाइम अगेन इट मीन्स समय आता है और उसके बाद वो चेंज हो जाता है. ओके, यानी समय हमेशा चलता रहता है, इट नेवर स्टॉप्ड, ये कभी भी इट इज़ नेवर स्टॉप्ड, ये कभी भी रुकता नहीं है. तो दैट इज़ वाई पोएट ने यहाँ पर क्या चीज़ बताई है और किस तरह के डिस्प्यूट्स बताए हैं, किस तरह के रिलीजन्स में डिस्प्यूट्स बताए हैं, और ये भी बताया है कि क्लॉक टावर्स जो है वो यहाँ पर सिंबोलिज्म यूज़ कर रहा है, और क्लॉक टावर्स को उन्होंने क्लॉक्स को डिफरेंट रिलीजन के बारे में, जैसे क्लॉक टावर को डिफरेंट रिलीजन के बारे में बताया है, और क्लॉक्स को उनके प्रीचर्स के बारे में, प्रीचर्स से सिंबोलाइज किया है. प्रीचर्स मतलब उपदेशक से, PREACHER. ओके, देन और लिसन टू द क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी. व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड well managed city? Term old well managed ये use किया गया है इस poem में. Why it is used? क्यों use किया गया है old well managed city? क्योंकि clock towers are very necessary in old well managed city because of on that time there was not mobile available टू ऑल पर्सन. दैट इज़ वाई कि टाइमिंग्स आर वेरी नेसेसरी, और सभी के पास रिस्ट वॉच वर नॉट अवेलेबल. सो दैट इज़ वाई वॉट इज़ नेसेसरी इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू लुक द टाइम और एनीबडी ही वॉन्ट्स टू डू, दैन इट इज़ वेरी नेसेसरी. एंड वॉट इज़ द टाइम? सो क्लॉक टावर्स आर एवरीवेयर इन द ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी. विदाउट टाइम कोई भी हम वर्क नहीं कंप्लीट कर सकते. टाइम टू वॉच, टाइम टू सी टाइम इज़ वेरी नेसेसरी. दैट इज़ वाई क्या है, क्लॉक्स आर वेरी नेसेसरी. सो इन द ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी देयर वर क्लॉक टावर्स ऑल्सो सिचुएटेड. ओके, बीटिंग देयर गॉन्ग्स राउंड द क्लॉक ईच स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम डीपर और लाइटर. यहाँ पर पोएट यही बताना चाहता है कि हर क्लॉक का जो टाइमिंग्स है वो डिफरेंट है, डीपर और लाइटर, यानी कहीं पर थोड़ा ज़्यादा है और कहीं पर थोड़ा कम.
ओके, एंड व्हाट इज गोंग्स, जो घड़ी के अंदर घंटे होते हैं वो क्या बताते हैं, जब समय बताते हैं तो उसमें कहीं कहीं पर अंतर आता है, डिफरेंस आ जाता है, डीपर और लाइटर. ओके, उनके टाइमिंग्स में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है. क्यों अंतर है उनके टाइमिंग्स में, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. क्यों है, बिकॉज ऑफ अलॉय, बिकॉज ऑफ अलॉय यानी कि एक्सीडेंट ऑफ अलॉय, ये लिखा जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ अलॉय, यानी जो मिक्सर होता है धातुओं का, मेटल्स का, तो उनके कारण से भी कई बार इन टाइमिंग्स में थोड़ा सा अंतर हो जाता है. ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है, कई बार जब उनको बना रहे होते हैं, इट मीन्स तो शेकिंग, अ मेकर शेकिंग हैंड. कई बार ऐसे मेकर्स होते हैं जो एज्ड होते हैं, तो उनके हैंड्स कई बार हिलते हैं, और दैट इज़ द रीज़न ऑल्सो, ये भी रीज़न होता है कि देयर टाइम्स डीपर और लाइटर डिफरेंट विद ईच अदर. ओके, क्योंकि उन वर्ड्स का जो टाइमिंग्स है वो कई बार कैसा है, डीपर और लाइटर डिफरेंट है हर क्लॉक में. ओके, तो ये दो रीज़न है, फर्स्ट द एक्सीडेंट ऑफ अलॉय, एंड सेकेंड रीज़न अ मेकर्स शेकिंग हैंड. शेकिंग हैंड इट मीन्स मूविंग हैंड, हिलता हुआ. एंड कहाँ की जो क्लॉक्स हैं वो फेमस थी पास्ट टाइम में, स्विट्जरलैंड. ओके, और द म्यूचुअल डिस्टेंसेज कमोमेरेटिंग अ डोनर्स वे. नाउ म्यूचुअल डिस्टेंसेज विद फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर, ऑक्सिमोरन, बिकॉज ऑफ बोथ डिस्टेंसेज, म्यूचुअल यानी आपसी और डिस्टेंसेज यानी दूरियाँ, अपोजिट वर्ड्स आर यूज हेयर, सो दैट इज वाई हेयर ऑक्सिमोरन, OXYMORON. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग द ऑथर द पोएट वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब दैट कमेमोरेटिंग एट डोनर्स वे द पैरेलल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस. कहते हैं कि कमेमोरेटिंग अ डोनर्स वे, मे बी ये डोनर्स की, ये आपको क्लॉक के बारे में बता रहा है कि हो सकता है कि ये डोनर्स का विम हो, डोनर्स मतलब जो डोनेशन करने वाले हों, उनकी सनक हो कि उन्होंने बहुत सारी क्लॉक्स खरीद ली हो और डोनेट कर दी हो, तो ऑन दैट टाइम उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी क्लॉक्स को अलग अलग देखें, तो दैट इज़ वाई मे बी इस कारण से भी हो सकता है. द पैरेलल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस, पैरेलल फ्यूड्स का मतलब है कि झगड़े हो जाते हैं अंदर ही अंदर, जो कि आपसी फूड कहलाते हैं, एंड सीजनल अलायंस, ये तो आपसी फूड है, इट मीन्स कि जैसे हिंदू मुस्लिम राइट्स हैं तो ये आपसी फूड की वजह से होते हैं, क्योंकि कई बार लोगों में सहमति नहीं होती है, उनके थॉट्स और आइडियाज एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होते हैं, और दैट इज़ वाई इस तरह के झगड़े हुआ करते हैं. एंड सीजनल अलायंस, सीजनल अलायंस का मतलब है कि कैसे कोई, जैसे कोई स्पेशली कोई फंक्शन है, या फिर कोई जैसे दिवाली है, होली है, ये त्यौहार है, इन पर कई बार क्या होता है, झगड़े हो जाया करते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाया करते हैं, या किसी और कास्ट की आपस में लड़ाई हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड द सीजनल अलायंस. ओके, तो म्यूचुअल डिस्टेंसेस डेवलप्ड ड्यू टू द पैरेलल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस. नेक्स्ट, ऑफ हिंदू क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कट ऑफ समटाइम्स बाय चेंज ऑफ विंड, अ चेंज ऑफ माइंड और ए साइरन बिटवीन द पीसेस ऑफ अ बैक स्ट्रीट क्वायर. देखिए, हिंदू क्रिश्चियन और मुस्लिम कट ऑफ समटाइम्स बाय अ चेंज ऑफ वेंट, ये सब एक दूसरे से कट ऑफ हो जाते हैं, ऑल दो सभी लोग डिफरेंट रिलीजन के पर्सन इंडिया में रह रहे हैं, बट समटाइम उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो दैट इज़ वाई क्या होता है कि उनके वो एक जो एक एक बिल्कुल रूटीन में चल रहे थे वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. ओके, समटाइम क्या होते हैं, वो एक दूसरे से कट ऑफ हो जाते हैं, अ चेंज ऑफ माइंड और अ साइरन बिटवीन द पीसेज ऑफ द बैक स्ट्रीट
क्वेरल क्या होता है कई बार, ये इस कारण से होते हैं कि जैसे बैक स्ट्रीट में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ है। बैक स्ट्रीट का मतलब ये है कि पीछे वाली गली में, इट मीन्स कोई सिंपल सी बात एक जगह हो गई है, बट ये एक बिगेस्ट फॉर्म अडॉप्ट कर लेती है और सब जगह झगड़ा हो जाता है, सब जगह प्रॉब्लम हो जाती है। तो दैट इज़ वाई इसमें ये बताया जा रहा है कि कई बार सायरन जो है लड़ाई का, झगड़े का, राइट का जो सायरन होता है वो कहाँ से बजता है, बैक स्ट्रीट क्वेरल, यानी गली में पिछवाड़े में कहीं जो छोटा सा झगड़ा होता है बहुत बड़ा रूप ले लेता है। बिटवीन द पीसेज ऑफ ए बैक स्ट्रीट क्वेरल नाउ इट इज क्लियर टू यू। और वो क्या करता है, वो सायरन पूरी हवा को चेंज कर देता है और सभी के माइंड को, उन सबकी मेंटलिटी बहुत पुअर हो जाती है ऑन दैट टाइम, और दे फाइट विद ईच अदर, और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वन डे यू लुक अप एंड सी वन ऑफ देम आईलेस साइलेंट एंड zigzag sky सोइंग। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब झगड़ा बढ़ जाता है तो वो क्लॉक टावर्स के पास जब लड़ते हैं तो कई बार वो क्लॉक टावर्स की जो क्लॉक होती है वो टूट जाती है और उसके पीसेस डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें कि zigzag sky दिखाई देता है। zigzag sky इट मीन्स डिवाइडेड sky दिखाई देता है, यानी उसके भी टुकड़े हो जाते हैं आकाश के। द पोइट वॉन्ट्स टू यूज ए सिंबोलिज्म कि इसी तरह से डिफरेंट रिलीजन हैं जो कि आपस में मिलके रहते हैं, जब एक क्लॉक सही से दिखाई देती है, एकदम एग्जैक्ट टाइम देती है और बहुत अच्छी से तरह से चल रही होती है, लेकिन अगर हम उसको तोड़ देते हैं, उसके कई पीसेस हो जाते हैं और उसमें स्काई भी zigzag दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी थिंग्स प्रॉपर मैनर में नहीं हो पाती अगर हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और पीसेस हो जाते हैं हमारे और हम एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं। तो उस पीसेस के अंदर हमें zigzag स्काई दिखाई देता है। क्लियर? नेक्स्ट। अब लेकिन क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में सब कुछ साइलेंट हो जाता है, ओके, थ्रू द नॉक्ड आउट क्लॉक वर्क आफ्टर ए राइट। वो कह रहा है कि जब क्लॉक के वर्क को स्टॉप्ड कर दिया गया, तोड़ दिया गया, ओके, एंड आफ्टर ए राइट यानी एक झगड़े के बाद में, एक बड़े झगड़े के बाद में, अ पीस मार्च टाइम, जैसे कि एक पीस मार्च टाइम बॉम्ब होता है, तो जब वो टाइम बॉम्ब होता है जबकि वो फट जाता है, ओके, तो जब वो फट जाता है तब क्या होता है, उसके बाद वो बिल्कुल साइलेंट एनवायरनमेंट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जब लड़ाई होती है और उस बीच में, बाद में उसके बिल्कुल सब कुछ साइलेंट हो जाता है, ओके, आर अ प्रिसाइज एक्ट ऑफ ए नेचर इन अ नाइट ऑफ लाइटनिंग्स, जैसे कि एग्जैक्ट वर्क है नेचर का। क्या लाइटनिंग हो रही है तो हमें बाहर नहीं निकलना है, ओके, जब मालूम है कि ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ऑन दैट टाइम वी शुड नो कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट वी शुड डू, क्या सही है और हमें क्या करना चाहिए, ओके, तो क्या है यहाँ पर, नेचर का ये प्रिसाइज एक्ट है। अगर प्रकृति कुछ करती है, कोई वर्क करती है, तो वह वर्क कैसा होता है, एग्जैक्ट होता है, नोबडी कैन चेंज इट, कोई भी उनके वर्क को चेंज नहीं कर सकता, ओके, ऑफ नेचर इन अ नाइट ऑफ लाइटनिंग्स। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकृति में बिजली कड़क रही है, लाइटनिंग्स हो रही है, इसका मतलब यही है एग्जैक्टली कि बिजली गिर भी सकती है, तो वी शुड बी अवेयर, हम ह्यूमन बींग्स को अवेयर रहना चाहिए। उसी तरीके से ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब टाइम वो फटता है उसके बाद पीस क्यों आती है, उससे पहले भी पीस रख सकते हैं, म्यूचुअल कॉपरेशन से, म्यूचुअल कॉपरेशन इज नेसेसरी, नॉट म्यूचुअल डिस्टेंस, ओके। तो लेकिन क्या है, इसमें पोएट ने बताया है कि जो डिफरेंट रिलीजन है उनमें उन्होंने सिम्बलिज्म यूज किया है
क्लॉक टॉवर्स की क्लॉक्स को उनसे कंपेयर किया है, ओके। और इस तरह से इस पोयम में बताया गया है कि टू टाइम्स शांति होती है, या तो हम एक मैसेज दिया गया है, या तो हम एक दूसरे से मिल कर रहें और पीसफुल एनवायरनमेंट डेवलप हो जाएगा, और अगर हम इसी तरह से झगड़ते रहे आपस में तो कभी भी पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं होगा और कहीं भी हमें साइलेंस नहीं रहेगी। जिस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए उसके लिए हमें म्यूचुअल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, ना कि म्यूचुअल डिस्टेंसेस के। नाउ इट इज़ कम्प्लीटेड। व्हाट डिड यू थिंक द पोएम वॉज अबाउट व्हेन यू रीड द फर्स्ट फ्यू लाइन? द पोएम इज अबाउट क्लॉक टावर्स। From which line does the import the title strike the reader? But these questions are not important. I have already tell you about question answer, so that is not necessary to explain all the things because of I have already given question answer. Okay students, thank you. Have a nice day. आप इसको revise करिए और उसके बाद आपका exam है आज. Okay.